खरगोन जिले के संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी मूलभूत मांग नियमितीकरण को लेकर विगत 17 दिनों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा अपनी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मांग पूरी करने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाई और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है मांग पूरी नहीं करने की दशा में संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन के इतने दिन बीतने के बाद भी कोई सुध नहीं लेने पहुँचा। ऐसे में अब स्वास्थ्य कर्मियों ने रूपरेखा बनाकर आंदोलन और तेज करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हम सभी संविदा कार्यकर्ताओं की कर्मचारियों की मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि जो 5 जून 2018 को नीति बनी थी संविदा कर्मचारियों के लिए कि इनको 90% रेगुलर का वेतन दिया जाए, वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। और इसीलिए हम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से विगत 17 दिन से यही मांग है कि भाई हमको वो नीति लागू किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, संविदा मुक्त मध्य प्रदेश बनाया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी संविदा कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए और आदरणीय कलेक्टर साहब को हमने ये ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम से, और वहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई और वापस शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ गए। स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर तो बिल्कुल पड़ ही रहा है, और जो सारे फील्ड कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर हड़ताल में शामिल है। इस कारण से जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सीएससी, पीएससी और दूसरे जो हॉस्पिटल है, बिल्कुल वहाँ असर पड़ रहा है। ताले लगे हुए हैं और इलाज नहीं मिल रहा है। इसकी हमको दुख है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमको करना पड़ रहा है। क्या नाम? डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।